सबकी? ये क्या कह रही है तू? बेटा ये क्या कह रही है तू? बोल बेटा बोल बोल। अब ठीक तो हो ना? अब बोल क्यों नहीं रहे हो कुछ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी भाई के मैं गुस्सा बड़ा धोखा वरुण, अभी अंकल को संभालो, छोड़ से छोड़ो वरुण। मैं हमेशा आपको दुखी कर देती हूँ ना, सॉरी पापा। तबकी सॉरी तो मुझे तुझसे कहना चाहिए बेटा, क्योंकि तू मेरी तबीयत की फिक्र कर, कल से अकेले दर्द को सहती रही। बेटा मैंने ही तुझे सिखाया था ना कि मुश्किल से मुश्किल सच का सामना कैसे किया जाता है, तो फिर तूने अपने पापा को इतना कमजोर कैसे समझ लिया? बेटा पापा एक बार फिर से मेरे बोलने की वजह से सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मेरी जुबान मेरी कभी कभी ठीक नहीं हो सकती पापा, कभी ठीक नहीं हो सकती, सब खत्म। नहीं कभी तुझ में नहीं है बेटा, कभी उन लोगों में है जो सिर्फ तेरी जुबान देखते हैं, क्योंकि वो तेरे नेक और अच्छे दिल को देख नहीं पाते। बेटा कभी तुझ में नहीं है, तुझ में नहीं कभी बेटा, नहीं। हमेशा अपने बच्चों को सिखाया है, यही समझाया है कि इंसान बुरा नहीं होता, सिर्फ हालात उसे अच्छा और बुरा बनाते हैं। और मैं तुम्हें देखकर ये दावे के साथ कह सकता हूं कि बनाने वाले ने तुम्हें सिर्फ बुरा ही बनाकर भेजा है, सिर्फ बुरा। मेरी बेटी की कमी की दुहाई देते हो, अपनी तरफ देखो, तुम अपने गिरिबान में झांक कर देखो, तुम्हारी कमी इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे मां बाप का सर आज झुक गया है।
भाई साहब, सबकी को अपनी बेटी माना हमने, फिर भी उसके साथ हुए इतने बड़े धोखे से उसको हम बचा नहीं पाए। हम गुनहगार हैं, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि धोखे से जो इस रिश्ते को हम जल्दी खत्म कर देंगे, थपकी को हम इससे आजादी दिला देंगे। धोखे से हुआ ये रिश्ता तो टूटेगा ही, बिल्कुल टूटेगा, लेकिन जिस घर में ये धोखा हुआ है, अब उस घर में मेरी बेटी कभी नहीं जाएगी। वो हमारे पास रहेगी। और मेरी सबसे बड़ी शिकायत तो तुमसे है ध्रुव, तुमने कैसे थपकी के भरोसे को तोड़ दिया, और साथ ही हम सबके। याद है तुमने क्या कहा था हम लोगों से, कि तुम हम सब लोगों को अपने परिवार की तरह समझोगे, हमारे सुख दुख में शामिल होगे, तुम हमारी खुशियों को अपना समझोगे। कहां गए वो सब वादे? और इसके बदले में मैंने तुमसे सिर्फ एक वादा मांगा था, थपकी की खुशियों का वादा। सारे वादे तुमने तोड़ दिए, सारे। देखिए भाई साहब, जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन शादी ब्याह के रिश्ते इस तरह तोड़े नहीं जाते हैं। बहन जी, शादी ब्याह के रिश्ते इस तरीके से जोड़े भी तो नहीं जाते हैं, जैसे जैसे आपके घर में जोड़े गए। कृष्णकांत जी, आपके आगे हम में से आज कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि क्योंकि आप सही हैं। आपकी बिटिया, तुम यही रहो, इसी घर में रहो, क्योंकि यहां से जो साहस, जो हिम्मत, जो विश्वास, जो प्यार तुमको मिलता है, वो और कहीं से नहीं मिलेगा। और हम हाथ जोड़कर तुमसे, अपने पूरे परिवार की तरफ से माफी मांगते हैं, और आप सबसे भी। ये लोग, इनको क्या हुआ? सुना था आज थपकी के पग भरे की रस्म है, फिर ये लोग मुंह लटकाए क्यों जा रहे? तो गड़बड़ है भाई। अब आएगा मजा। थपकी
की ये गुणगान गाते रहते थे ना सब लोग, अब देखना सब ना हमारी बलाएं लेंगे। अब इसकी शुरुआत ना सबसे पहले बड़ी सासू माँ से करते हैं। चल चल। बड़ी सासू माँ देखिए हमने ना आपके लिए गुलाब जामुन बनाए हैं और वो भी अपने औसम हाथों से। आज इतनी बड़ी खुशी की बात है तो मुंह मीठा करना तो बनता है ना, लीजिए। किस बात की खुशी मना रहे हो तुम दोनों? अरे बड़ी सासू माँ एक नहीं तीन दिन खुशी की बात है। पहली ये कि थपकी अपने घर वापस चली गई, दूसरी ये कि कुछ ही दिनों में बिहान देवर जी और थपकी का रिश्ता भी टूट जाएगा, और तीसरी और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है बड़ी सासू माँ कि थपकी और बिहान देवर जी की शादी टूटने के बाद आप वापस से ध्रुव देवर जी और थपकी की शादी करा सकती हैं और थपकी को ना वापस से अपनी बहू बना सकती हैं। लीजिए लीजिए एक नहीं तीन तीन गुलाब जामुन खाइए। तुम दोनों पगला गए हो क्या? यहाँ मैं थपकी को लेकर परेशान हूँ और वहां तुम लोग बेवकूफ की बेवकूफी रहेगी। बड़ी सासू माँ थपकी को लेकर परेशान है, इसलिए तो हमने ध्रुव देवर जैसे उसकी शादी की बात की, पर वो तो उल्टा हम पर ही गुस्सा हो गई। आजकल ना बड़ी सासू माँ को कुछ समझ नहीं आता, सब कुछ उल्टा करती है। वो दिन बिहान देवर जी को गले से लगा रही थी और आज ये छुटकी। इसका मतलब कहीं वो दुखी तो नहीं? बिहान देवर जी और थपकी का रिश्ता टूट रहा है इसलिए? पूनम जी थपकी कहाँ है? आ रही है, कल रात भर रोती रही। बेटा चले? पापा मेरा बिल्कुल भी मन नहीं, आप लोग चले जाओ। बेटा इसीलिए तो मंदिर जा रहे हैं, शांति मिलेगी और ईश्वर का आशीर्वाद, बस दर्शन करके लौट आएंगे। चल अच्छा चल अच्छा चले अच्छा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जरा दो मिनट गौर फरमाएंगे। ये देखिए हम खड़े हैं थपकी चतुर्वेदी के घर के बाहर। गौर से देखिए इस लड़की को। ये भोली भाली दिखने वाली लड़की आगरा से नोएडा आई थी न्यूज रिपोर्टर बनने के लिए, लेकिन यहाँ आती इस लड़की ने किया एक महाकांड। आते ही उसके बॉस भोले भाले ध्रुव पांडे को अपने प्यार में फंसा लिया और कर लिया शादी का वादा। लेकिन भाइयों उसके बाद आता है कहानी में एक नया ट्विस्ट। प्यार का वादा किया ध्रुव पांडे के साथ, लेकिन शादी कर ली डेंटन बिहान पांडे के साथ। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो देखिए देखिए इसका सबूत ताजा ताजा प्रिंटों में। एक फूल और दो माली।
बकवास कर रहे हो? अगर तुम्हारी खबर गलत निकली तो तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। वहीं रुको, हम अभी आते हैं। आइए इस महाकांड का सच जानते हैं खुद थपकी जी से। थपकी जी भोली भाली मासूम से दिखने वाली थपकी जी, कैसा लग रहा है आपको एक भाई से प्यार और दूसरे भाई से शादी? अंकल जी आपको कैसा लग रहा है फाइनली आपकी बेटी पांडे परिवार की बहू जो बन गई है और सोने का अंडा देने वाली मुर्गी? आपका ये घर सोने के अंडों के साथ भर जाएगा। आप जैसे गरीबों की तो निकल पड़ी। अरे भाई देने वाला जब भी देता है देता छप्पड़ फाड़ के, है ना अंकल जी? कैसा लग रहा है? क्यों तमाशा लगा रखा है तुमने यहाँ पर? क्या चाहते हो तुम? अरे बता दो खबरदार, खबरदार अगर मेरी बेटी के बारे में एक जब भी बोला तो। अरे कभी अपनी शक्ल देखी आईने में? उससे बड़ा लालची कोई नहीं है। उस दिन का थप्पड़ भूल गए क्या? मारिए और एक थप्पड़ मारिए ना। अरे हम तो अहिंसावादी है, कोई हमें एक थप्पड़ मारेगा तो हम दूसरा गाल आगे कर देंगे, लेकिन सच बोलने से पीछे नहीं हटेंगे। देखा देखा भाइयों, आप लोगों ने देखा कैसे ये लोग उल्टा चोर कोतवाल पे डांट रहे? इन लोगों के पास सफाई में बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मुझ जैसे भोले भाले इंसान पे इल्जाम लगा रहे। इस पोस्टर को ध्यान से देखिए, ये पोस्टर तय करेगा कि कौन सही है और कौन गलत। मैं आप सब लोगों के सामने हाथ जोड़कर कह रहा हूं, मेरी बात का विश्वास कीजिए, ये आदमी बिल्कुल झूठा है। कृष्णकांत जी, कल तक हमें इस पर विश्वास नहीं था, लेकिन आज क्या कहेंगे? आज तो हमारे सामने सबूत पड़ा हुआ है। सब जानते हैं भाई साहब, आपकी बेटी की सगाई ध्रुव पांडे से हुई थी। अभी शादी की फोटो बिहान पांडे के साथ कैसे? पैसों की लालच में ऐसा काम गलत तो आपने और आपकी बेटी ने किया है। शरीफ कौन ना, ये तो साफ दिख रहा है अभी। प्लीज, जैसा आप सोच रहे वैसा कुछ नहीं है। अरे मेरी बहन ने कुछ गलत नहीं किया, उसको तो पता भी नहीं था कि उसकी शादी वापस। रिया को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अरे होगी ही, भाई है इसका, अपनी बहन के पैसों से मजे तो करना है। अरे मैं बोल रहा हूँ, अरे हट जाके पहले अपनी बहन को बोल। अरे ये रुक रुक के बोलने वाली लड़की टाका भिड़ाने के टाइम तो नहीं रुकती है। अरे ये इन लोगों ने तो मुझसे छुपाया कि इनकी ये बेटी रुक रुक कर बोलती है। अरे मेरे गले बांधने चले थे ये। भाई साहब आप तो जानते ही है कि निम्मी आंटी की सुंदर सी बेटी के साथ मेरी शादी तय हो गई है, लेकिन फिर भी ये लड़की मुझ पे डोरे डालती है। अरे मुझे कहती है कि तुम मेरे साथ रिश्ता रखो। लेकिन किस किस का मुंह बंद करवाएगा? देख तेरे बहन की काली कुंडली। प्यार एक भाई से और शादी दूसरे भाई से। अरे ये लोग जितने शरीफ दिखते हैं ना उतने हैं नहीं, एक नंबर के शातिर लोग हैं। और तो और इनकी बेटी तो एक नंबर की। बस हो गया, चुप।